सुबारा मेरठ में हुआ, पहली बार ऐसा हो रहा है, खास तौर पे आप तो शिक्षक भी हैं, किस तरीके से देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया? ये बहुत अच्छा, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, नेशनल गेम्स का आयोजन हमारे मेरठ में हो रहा है और ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके योजना अंतर्गत कि देश में खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया के तहत ये आयोजन हो रहे हैं। इसमें प्रतिभाओं को महत्व मिल रहा है, खेल प्रतिभाओं को महत्व मिल रहा है और मेरा ये मानना है कि इससे संदेश जाता है और हम सब लोगों को जीवन में उतार चढ़ावों को झेलना भी सीखना मिलता है इसमें खेलों के द्वारा। और केवल बौद्धिक विकास नहीं, शारीरिक विकास भी बहुत आवश्यक है। हम सबका शारीरिक विकास रहता है और क्यों खेल में उतार चढ़ाव और हारना जीतना सीख जाता है व्यक्ति, तो कभी भी डिप्रेशन में नहीं आता। तो सामान्यतः जो ज़्यादा गंभीर बच्चे रहते हैं उनको डिप्रेशन जल्दी आता है, तो खेल कूद में मन को भी प्रसन्न रखना बहुत आवश्यक है। मैं तो यही सब बच्चों से प्रार्थना करूंगा कि पढ़ने के साथ साथ खेलों पर भी ध्यान दें। और कोरोना काल में हमने देखा होगा कि जिनका शरीर स्वस्थ था, जो मजबूत थे, वो बच पाए और जो आराम तलब थे उनको उसका ज़्यादा दुष्प्रभाव उन पर पड़ा कोरोना का। सर मेरा एक सवाल और है, देखिए हाँ। राष्ट्रमंडल खेल जो 2026 को होने, उसमें कुश्ती को बाहर कर दिया गया, इस पर आपका प्रतिक्रिया? यदि ऐसे कोई विषय आया है, मेरी जानकारी में नहीं था, आपने बताया है तो इस विषय पर बात की जाएगी। कुश्ती तो हमारे देश का मौलिक गेम्स है जिसको गांव में गली गलियों में हमारे बच्चे कुश्ती और ये सब खेलते हैं, कबड्डी, तो इनको तो उसमें शामिल रहना चाहिए। बात करेंगे इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है और ये पहला अवसर है जब मेरे को इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। देखिए हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, मेरठ की इस क्रांतिकारी भूमि पर एक राष्ट्रीय आयोजन करने का अवसर हम लोगों को मिला है। पूरे देश से लगभग 23 टीम यहाँ पर आ रही है। मैं ओंकार जी, उनकी पूरी टीम इस 68वीं जो एक कुश्ती प्रतियोगिता हो रही है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि पूरे देश के जो हमारे मेहमान बच्चे आए हुए हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, एक अच्छा संदेश वो मेरठ का लेकर जाए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश आज योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, मेरठ का भी मैसेज इन बच्चों के मनों में जाए। देखिए देश के सच्चे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हर खेल के प्रति पूरी तरह से वो चाहते हैं कि खेलों को आगे बढ़ाया जाए। कहीं कोई इस तरह का विषय होगा तो उसका भी संज्ञान लेते हुए मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार उसमें काम करेगी। देखिए मैं कह सकता हूँ कि हम हर विषय को गंभीरता के साथ लेकर, खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आज खेल को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पूरे मन से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज ग्रामीण अंचल से हमारे निकले हुए खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें परफॉर्म करने का अवसर मिल रहा है। ठीक, धन्यवाद। जैसे कि पहली बार ऐसा अवसर आया जब यहाँ पे प्रतियोगिता हो रही है, अलग अलग जगह से टीम आई, क्या रेसलिंग चैंपियनशिप स्कूल्स अंडर 19 का नेशनल चैंपियनशिप मेरठ में आयोजन हो रहा है। बहुत प्रेस्टिजियस इवेंट है और पूरे इंडिया से 23 टीम्स आए हुए हैं, 400 से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अच्छा अवसर है हमारे जो मेरठ के जो बच्चे हैं ये भी मोटिवेट होने के लिए, तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी हम लोगों को सीखने के लिए भी और बच्चों के लिए एक मोटिवेशन भी हो जाएगा। आप क्या कहेंगे किस तरह के आयोजन, किस तरह से बच्चों? ये नेशनल लेवल चैंपियनशिप है, एक इसमें पार्ट, एक तो पूरे इंडिया से कोचेस, रेफरीज और अच्छे खिलाड़ी आए हैं, उनसे सीखने का एक मौका बच्चों को भी मिलेगा और दूसरा इनका अच्छे जो टैलेंट है वो आगे जा करके इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी भाग लेने का एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो सभी बच्चों को हम यही मोटिवेशन देंगे कि अपना बेस्ट परफॉर्म करें ताकि अच्छे टैलेंट आइडेंटिफाई हो जाए और आगे जा करके इंडिया का नाम रोशन करें। थैंक यू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.